आज ये माना जाता है रियासत और है हुकूमत और है। शहरी रियासत के वफादार होते हैं, हुकूमत के नहीं। हुकूमत को तो बदलने का उनका हक है। अब यहां पर अगर बगैर जंग के इम्कान है बदलने का तो दो रास्ते हैं, एक इलेक्शन का रास्ता है और एक एजिटेशन का रास्ता है। इलेक्शन के रास्ते से निजाम नहीं बदल सकता, इसलिए कि इलेक्शन कितना ही मुनसिफाना हो, ट्रांसपेरेंट हो, साफ हो, सीधा हो, जो आपके माशरे में पावर बेसिस बने हुए हैं वही रिफ्लेक्ट होंगे। जागीरदारी निजाम है तो जागीरदारी आएगा, सरमायादाराना निजाम है तो सरमायादारी आएगा। तो जो निजाम ऊपर आएगा वो अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारेगा, वो जागीरदारी खत्म करेंगे, ये जागीरदार जो बैठे हैं आपके, सरमायादारी खत्म करेंगे, वो सरमायादार जो बैठे हैं। तो जान लीजिए, इलेक्शन किसी निजाम को चलाने के लिए होता है, बदलने के लिए नहीं होता। मोटी सी बात है। अब एक ही रास्ता रह गया, एजिटेशन, मुनज्जम पीसफुल डिसिप्लिन्ड एजिटेशन, अवामी तहरीक जो तोड़ फोड़ ना करे, ना किसी ट्रैफिक लाइट को तोड़े, ना किसी बस को जलाए, ना किसी की इमलाक को कोई नुकसान, ना किसी की जान के ऊपर कोई हमला, खुद जाने देने को तैयार। इसको मैं कहता हूं यकतरफा जंग। यह तरीका है कि जिससे अब हमें काम